ये देखें हमारा अंदर एक सील चूजा मर गया। हमने ये वाला मुर्गा लेना है, माशाल्लाह से देख ही सकते हैं कितना प्यारा है, काफ़ी प्यारा मुर्गा है, इसे लेके चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों कल हमने ना कबूतरों को ना सभी कबूतरों का बाहर निकाला था, लास्ट वीडियो में हमने ना सभी कबूतरों को बाहर निकाला था और इन सभी के पर वगैरह बांधे थे, तो आज माशाल्लाह से काफ़ी खुश हैं। तो हमने ब्रीडिंग बॉक्स जो हमने पेटियाँ वगैरह अंदर रखी थी ना, तो माशाल्लाह से जो फीमेल कबूतरियाँ हैं, जो फीमेल पिजन्स हैं ना हमारी, वो के जो हमने पेटियाँ वगैरह रखी हैं तो उनके अंदर जाना शुरू हो गई हैं। तो इन्होंने 2-3 दिन तक माशाल्लाह से अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। अभी और पेटियाँ वगैरह लेके आएंगे, जो ब्रीडिंग बॉक्स हैं, जो सामने जो पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं ना, ये वाली जो सामने एक फीमेल बैठी हुई है, ये अंडे देने के लिए तैयार है। दोस्तों ये थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह से अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इनके केज के अंदर ये पराली वगैरह रख देते हैं। दोस्तों ये मैंने इसलिए अंदर रखी है क्योंकि ये जब ये अंडे देने स्टार्ट हो गए हैं तब थोड़े दिनों तक इन्होंने अंडे दे देने हैं। तो मैंने कल भी पराली वगैरह अंदर रखी थी, इन्होंने थोड़ी बहुत उठा के ना अपनी जो ब्रीडिंग बॉक्स है सामने जो है तो उनमें लेके जाते रहे हैं। तो इन्होंने जब अंडे देने स्टार्ट करने हैं तो ये घोंसला वगैरह बनाएंगे, इनका घोंसला वगैरह बनाएंगे, तो इसलिए मैंने रख दिया है। तो ये अंडे देने लिए अंडे के ना करीब ही हैं, इंशाल्लाह से आप दुआ करें जल्दी से जल्दी हमारा अंडे देने स्टार्ट कर दें। दोस्तों इनका केज जो है ना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अभी ना आपको दिखाता हूँ हमारे सभी पैरेट्स ना बाहर निकले हुए, मैं आपको दूर से खड़ा होकर दिखाता हूँ। जब हम पास जाते हैं तो हमारे जो पैरेट्स हैं ना, आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, तो बॉक्स के ना ये देखें माशाल्लाह से सभी पैरेट्स हमारे बाहर निकले हुए हैं, आप देख ही सकते हैं सभी पैरेट्स। दोस्तों जब मैं पास जाता हूँ ये डर के ना अपने बॉक्स के अंदर चल जाते हैं। जो ये वाला जोड़ा हमारा, ये इस तरफ पे जोड़ा आपको तो पता ही होगा, ये हमारा जो ये वाला पेयर है ना, तो ये डर की वजह से अंदर चला जाता है। इस वजह से ना मैं ना अब दोस्तों आपके सामने ही मैं ना इनके पास जाऊँगा, तो ये देखना दोस्तों डर के अंदर चले गए। ये अंदर नहीं जाना दोस्तों, ये देख ही सकते हैं अंदर चले गए हैं। ये एक फीमेल ये बैठी हुई है, इसका मेल हमें मिला ही नहीं, भाइयों से बात वगैरह चल रही है अभी तक हमें मिला ही नहीं इसका मेल। दोस्तों दुआ करें जल्दी से, अगर मिलता भी है कि नहीं मिलता तो हमारे माशाल्लाह से सभी, मिंकू हमारा जुड़वा भाई भी सही हैं, माशाल्लाह से सभी ठीक हैं। दोस्तों अभी ना मैं ना अपनी मुर्गियों के ना अंडे ढूंढ रहा था केजिस के अंदर से, मुझे अंडा वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बुरी खबर मिली है। दोस्तों मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ, काफ़ी मुझे दुख हो रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें हमारा अंदर एक सील चूज़ा मर गया, तो दिखाता हूँ बाहर निकाल के, काफ़ी हुए हालत ख़राब है। ओए होए ये देखें, दोस्तों पता नहीं अब मैं लगता है कल की वीडियो में ना इसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, मैंने आपको बताया था कि ये इसकी मैंने दवाई वगैरह दी थी, आज ये पता नहीं मरा पड़ा है। तो अब इसे इस तरह से करते हैं कि इसे ना दफना देते हैं। दोस्तों मैंने ना सील चूजे को दफन कर दिया, तो दोस्तों चलो कुछ नहीं होता, हर जिंदा जानवर ने एक ना एक दिन जाना ही होता है। दोस्तों अब इस तरह से करते हैं कि मैंने अपने दोस्त से बात वगैरह की हुई है, तो मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था कि हम एक ना एक नया मुर्गा ले आएंगे, अपने मैंने दोस्त से बात वगैरह कर ली है, तो अब हम नया मुर्गा लेने चलते हैं। दोस्तों हम उस जगह पहुंच चुके हैं, तो हम मुर्गा वगैरह लेते हैं। तो हमने ये वाला मुर्गा लेना है, माशाल्लाह से देख ही सकते हैं कितना प्यारा है, काफ़ी प्यारा मुर्गा है, इसे लेके चलते हैं घर। फाइनली दोस्तों मुर्गा वगैरह ले लिया, तो अब इसे लेके चलते हैं घर, आज आके मैं आपको मिलूँगा।
फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, तो अब इसे छोड़ते हैं। दोस्तों आप दुआ करें कि अब ये ना हमारे जो असील पट्ठे हैं ना, ये इससे लड़ाई वगैरह ना करें। मैं छोड़ के अभी मैं छोड़ता हूँ, देखते हैं लड़ाई वगैरह करेंगे कि नहीं। लेकिन ये असील है, ये भी असील है, तो ये लड़ाई तो करेंगे ही लाजमी। मैं इसे छोड़ के देखूँ शायद की बात लड़ाई ना भी करें, तो अब मैं छोड़ देता हूँ। डर रहा है दोस्तों, मुर्गा माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा है, आप देख ही सकते हैं मुर्गा भी काफ़ी प्यारा है। तो अब बस दुआ करें लड़ाई वगैरह ना करें। ये देखें हमारी असील पट्टियाँ लड़ाई वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, देखते हैं आप लड़ाई वगैरह करते भी हैं कि नहीं। दोस्तों अभी ये काफ़ी थका हुआ है, तो इसे अभी ज़्यादा बंद करते हैं। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो सभी को दाना वगैरह डालूँ मैं जल्दी से। दोस्तों हमारे सभी असील पट्ठों ने ना हमारे जो अभी नया मुर्गा लेके आए हैं, तो उससे लड़ाई वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने इसे लादा बंद कर दिया, काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। तो ये हमारे 5, 6, 7, 8 के करीब हमारे जो असील पट्ठे हैं, तो लड़ाई वगैरह इन्होंने शुरू कर दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। लड़ाई वगैरह नहीं दिखा सकते, आपको पता ही है। तो ये देख के लड़ाई वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे इस वजह से नहीं, अभी इसे बंद कर दिया अलहदा। तो अभी सभी को दाना वगैरह जल्दी से डाल दूँ, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फाइनली दोस्तों सभी पैक्स को मैंने दाना वगैरह डाल दिया, तो अब इस तरह से करते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा करीब से ना मुर्गा दिखा ही देता हूँ। अभी ये देखें आप, आपको मुर्गा कैसे लगा दोस्तों? अब मैं बाहर निकाल के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये लड़ाई वगैरह करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बेबी पिजन दिखाता हूँ, बेबी पिजन लकवे वाला। तो बड़ा बेबी पिजन मैंने नीचे रखा हुआ है, मैंने नीचे रखा हुआ है। लकवे वाला बेबी पिजन इधर है, ये इधर बैठा हुआ है माशाल्लाह से, ये ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। हुए हुए मैंने इसे, मैं साथ साथ रोज़ाना फीड वगैरह करवा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो इन सभी पैट्स को मैंने बंद भी करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।